इंद्री हल्के में 10 जुलाई को यमुना क्षेत्र में बाढ़ आई थी, जिसके बाद धीरे धीरे पानी उतरने लगा और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन करीब 18 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, धान की फसल, गन्ने की फसल, पशुओं का चारा और घर में रखा जरूरी सामान सब खराब हो चुका है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे तो जरूर किए थे, लेकिन आज तक कोई भी हमारे बीच नहीं पहुंचा और किसी तरह की सुविधा हमें नहीं दी गई। किसी का मकान गिरा हुआ है तो किसी के घर में और दुकान में पानी है। बहुत से लोगों के घर का सामान खराब हो चुका है और सफाई व्यवस्था भी गाँव में सही तरीके से नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशानी है वो पशुओं के चारे की। सिर्फ यही नहीं, अब गांव में कई तरह की बीमारियां भी फैलती जा रही हैं, जैसे आई फ्लू, बुखार के साथ साथ और भी कई प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर गांव में नहीं पहुंचा, ना ही प्रशासन ने कोई जानकारी ली। ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल है कि हम कहां जाएं। आज तक भी 14 तारीख का बाढ़ आई हुई है, जो उसके बाद पानी का जो ये ऐसे कैसे बाढ़ पड़ा सारा सेम टू सेम, कोई साफ नहीं, कोई सफाई नालियां सारी दूर की दूर सारी साफ नहीं होती, सारी भरी पड़ी, नाला भरिया पड़ा रहा है, कोई भी ना कोई और ऐसे कहने आते हैं ना कोई कहते जाता, करता ही नहीं है कोई भी साफ। ऐसे से क्या क्या नुकसान हुआ है? बाढ़ तो कोई नुकसान, बाढ़ तो बस पानी भरा था तो नुकसान ही था, माले और कट्टे कुट्टे लगाए फिर इसी वजह से थोड़ा सा वो होया, बाकी नहीं कबाड़ तो ऐसा। तो गली में ये पाना कूड़ा निकाल के ढेर लग रहा है उस दिन का, यहाँ सफाई भी नहीं हुई, इसकी वजह से मच्छर होएंगे, बीमारियां होंगी, बुखार हो रहा है। इधर घर में ना इनके घर के आगे ना ये कूड़ा पड़ा है, इनके घर के सारे बीमार हो रहे हैं, सबकी आंखें आ रही हैं, सबकी आंखें लाल हो रही है, इधर घर में जिनके घर के आगे इतना कूड़ा पड़ा है वो सब लोग बीमार हो रहे हैं। बच्चे भी स्कूल से घर बैठे हैं, स्कूल की मैम ने भी उनको घर भेज दिया कि अपने घर बैठो, बीमारी चल रही है, आपको स्कूल में नहीं आना, उनके घर पे ही घर के सामने इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। कारण क्या है जी? कारण ये आंखें हो रही है, ये मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं, सारे घर के बीमार हो रखे हैं इनके, तो यहाँ हाँ इसकी वजह से, अरे इसकी वजह से पूरा मोहल्ला बीमार हो जाएगा, इधर बच्चे घूमेंगे फिरेंगे आएंगे जाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे और कूड़ा अब से यहीं पर पड़ा हुआ है सर। तो आप भी इसका कराओ ना थोड़ा बंदोबस्त, भी साफ सफाई गांव में हो जाए ताकि कोई भी बीमार ना हो। आंखों की बीमारी चल रही है, जगह जगह बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर पे बच्चे बैठ गए हैं, अब इस घर में तो बिल्कुल बहू हुए भी, सासू हुए भी, बच्चे भी सब बीमार हो रहे हैं, वो तो घूंघट निकाल निकाल के चल रहे हैं कि किसी और को ना हो जाए बीमारी, और उनके घर के आगे इतना कूड़ा पड़ा हुआ सफाई। सत्य खबर के लिए इंद्री से मीनपाल कश्यप की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।